टाइम दें आप मुझे ये बता दें बस। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट रफीक पराचा। मैं इस वक्त तारिक रोड पर मौजूद हूं। यहां पर मैं लोगों से सवाल करूंगा कि क्या अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक कामयाब होगी या उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा? क्या खान साहब को मजीद वक्त दे देना चाहिए या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? अगला वजीर आजम कौन है, इस हवाले से बात करते आइए। ये बताइए, गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन मुतारिक हो चुकी है, अदम एतमाद तहरीक लाइए, कामयाब होगी या नहीं? इंशाल्लाह नहीं होगी, इंशाल्लाह होना चाहिए भाई। देखिए जो सही होगा ना, मैं बोलती हूँ इमरान खान इज द राइट। मैं कोई कमेंट नहीं करता, मैं किसी भी साइड पे नहीं हूँ, दोनों साइड पे तो न्यूट्रल। वो तो खान साहब के न्यूट्रल, चले आप न्यूट्रल हैं, मुझे कम से कम एक न्यूट्रल तो मिल गया जी। बिल्कुल होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं इमरान खान जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये बिल्कुल फेल होगा, नहीं कामयाब नहीं होंगे, बिल्कुल जाना चाहिए। सर कामयाब की बात है, कामयाब लोग हो चुके हैं, खान साहब को चाहिए कि अभी इस्तीफा दे दें। तो आप नहीं समझते कि इनको टाइम देने चाहिए इमरान खान को? मुझे इतना टाइम दें आप, मुझे ये बता दें बस, कब से तो टाइम दे रहे हैं, कुछ तो नजर आए ना, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तबाहियां ही नजर आ रही हैं। इमरान खान अपनी जगह रहेगा इंशाल्लाह, रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। सबसे पहले खान साहब की प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपने साथ ये खुद किया है, अपोजिशन को जरूरत ही नहीं थी। तो खान साहब उनको टाइम चाहिए ना, अभी एकदम तो नहीं कर सकते। कितना टाइम चाहिए सर उनको? मजीद टाइम देने नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में अब उनको घर चले जाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए उनको। देखिए इमरान खान से पर्सनली मैं तो मुतमईन हूँ, लेकिन यही है कि उनको मेरे नज़दीक तीन काम करने चाहिए थे आते ही। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देते, हायर एजुकेशन फ्री करनी चाहिए थी, और तीसरे ये कि थोड़ा सा गरीबों के लिए सपोर्ट करनी चाहिए थी। मुतमईन नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं मुतमईन। क्या करना चाहिए इनको मजीद आगे? अगर कम से कम रोटी तो देनी चाहिए, आजकल जो है वो गरीब जो है ना रोटी के लिए तड़प रहा है, यकीन करें आप, ऐसी फैमिलीज में खाने को नहीं है उनके पास, सारी जॉब्स जो है ना चली गई हैं। आपके ख्याल से इनको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, और ये हम इनको सल्यूट करते हैं, बहुत अच्छे हैं वजीर आजम। दूसरा ऑप्शन हो वजीर आजम बनने का तो कौन हो सकता है या कौन हो सकती है? बिलावल है और दूसरा शहबाज शरीफ भाई। मेरे नज़दीक ना, मैं बहुत पर्सनली डॉक्टर स्टार है, मैं तो बहुत लाइक करती हूँ, अगर उनकी तंजीम से कोई ऐसा बंदा आता है, इस्लामी तहजीब तमद्दुन आना चाहिए। मैं अभी जो देख रहा हूँ मुझे समझ आ रहा है वो है शहबाज शरीफ, क्योंकि अक्सरियत उनकी है। बिलावल भुट्टो अगर आ गए? बिलावल भुट्टो भी आ सकता है अगर आ गए तो? अगर आ गए तो वही कहाँ पे टाएंगे। तीन बंदे अगर आप निकालना चाहे तो आप किन को माइनस करेंगे ताकि उनकी टीम अच्छी हो? उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, मैं आजम खान की बात कर रहा हूँ, उनके अलावा उनको फवाद चौधरी को भी, और उनके अलावा उनको जो खुसरो बख्तियार है, जो उनके लेफ्ट राइट हैं, सारी मुशर्रफ की टीम है, दे हैव टू गो नाउ। मैं ये चाहती हूँ कि ना अब ऐसा कोई बंदा या ऐसा कोई वजीर आजम आना चाहिए जिसे दीन की भरपूर मालूमात हो या दीन की तरफ वो भरपूर माइल हो, और डॉक्टर इसरार अहमद की ही मैं तो ये समझती हूँ कि उन्हीं के शागिर्दों में से किसी को आना चाहिए। जी यहाँ पर जब हमारी बात हुई अदम एतमाद तहरीक के हवाले से, तो कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब को इस्तीफा देना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि उनको मजीद टाइम दे देना चाहिए, तो आप क्या फैसला करते हैं? आप हमें भी कमेंट करके बता दीजिए कि इनको रहना चाहिए या जाना चाहिए। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।